हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिंपल क्रिएशन सर्जरी के बारे में या डिंपल प्लास्टी के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है, मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूं और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज अ डिंपल प्लास्टिक सर्जरी और डिंपल क्रिएशन सर्जरी, उस सर्जरी में एग्जैक्टली करते क्या है। डिंपल जो होता है, इट इज अ साइन ऑफ क्यूटनेस एंड ब्यूटी ओवर योर फेस। जब भी हम डिंपल के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली 20% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज बॉर्न विद अ डिंपल। लगभग 20% लोगों में डिंपल एट बर्थ ही प्रेजेंट होता है, लगभग 80% लोगों में ये एब्सेंट होता है, जो कि चाहते हैं कि उनकी चीक्स में डिंपल आ जाए। जब भी हम डिंपल क्रिएशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर जिन भी पेशेंट्स में नेचुरली जो डिंपल प्रेजेंट होता है वो बेसिकली साइंटिफिकली स्पीकिंग एक चीक में एक डिफेक्ट होता है जो कि उनकी मसल और स्किन के बीच में होता है, जो कि जैसे ही पेशेंट स्माइल करते हैं वो उनकी चीक की जो स्किन है वो अंदर की तरफ फुल होती है और एक डिंपल क्रिएशन या डिंपल की एक अपेयरेंस आती है, जो कि एक नेचुरली लुकिंग अपेयरेंस डिंपल लगता है और बहुत ही क्यूट या साइन ऑफ ब्यूटी माना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं डिंपल क्रिएशन सर्जरी या डिंपल प्लास्टी के लिए क्या कैंडिडेट क्या होते हैं, आइडियल कैंडिडेट क्या है। डिंपल प्लास्टी या डिंपल क्रिएशन एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम उन पेशेंट में जिनको नेचुरली डिंपल नहीं है एक डिंपल को सर्जिकली हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए जो भी आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं वो कोई भी मेल या फीमेल पेशेंट जो मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज है वो इस सर्जरी को करवा सकते हैं। पेशेंट को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, एक गुड हेल्थ कंडीशन में होने चाहिए और वो नॉन स्मोकर होने चाहिए। तो ये सारे पेशेंट जो है वो डिंपल प्लास्टी के आइडियल या गुड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि हाउ इज डिंपल प्लास्टी या डिंपल क्रिएशन सर्जरी डन। डिंपल प्लास्टी जो है 30 मिनट से 1 आवर एक स्कारलेस प्रोसीजर है जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। एक छोटा सा कट दिया जाता है जो कि आपके चीक्स के अंदर वाली साइड, मतलब आपके मुंह के अंदर कट एक दिया जाता है, उसके थ्रू एक आपकी कुछ मसल का डिसेक्शन किया जाता है और आपकी एक एब्जॉर्बेबल सूचर, मतलब एक घुलने वाले स्टिच को जो हम जो है अंदर से मसल के थ्रू आपकी बाहर की चीक की स्किन के अंदर से पास किया जाता है और जब उसको हम टाइटन करते हैं तो एक एक डिंपल क्रिएट होता है जो कि शुरू के केसेस के अंदर परमानेंट होता है। मतलब शुरू में वो स्टैटिक डिंपल होगा, आपको हमेशा प्रेजेंट रहेगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 वीक्स वो डिंपल जो है सिर्फ जब आप स्माइल करेंगे तभी प्रेजेंट रहेगा, उसको डायनेमिक डिंपल कहते हैं, जो आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा। बहुत सारे पेशेंट ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि डिंपल जो भी हम सर्जिकली क्रिएट करते हैं क्या उसके रिजल्ट परमानेंट रहते हैं। अब डिंपल क्रिएशन में हम एक नॉर्मली एक कनेक्शन बना रहे हैं आपकी चीक मसल और आपकी चीक स्किन के बीच में, तो ये कनेक्शन यह है यूजली जो है वो परमानेंट रहता है, एक स्कार के फॉर्म में बन जाता है। बट ये अगर आपका बहुत ज्यादा एजिंग रहती है तो ये डिंपल थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है एजिंग के हिसाब से, प्लस साथ ही साथ ये डिंपल जो है आपके वेट के फ्लक्चुएशन के साथ भी वेरी करता है। जैसे कुछ पेशेंट में जिनमें हम आर्टिफिशियली डिंपल क्रिएट करते हैं, अगर वो पेशेंट बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं तो ये डिंपल जो है वो थोड़ा शैलो हो जाता है, एब्सेंट जैसा दिखाई देने लग जाता है, फेड होने लग जाता है, बट जैसे ही वो पेशेंट अपना वेट वापस फिर से लूज कर लेते हैं डिंपल रीअपीयर हो जाता है। तो इसमें एक कंडीशन रहती है कि यूजली जो पेशेंट अगर डिंपल बनवा रहे हैं और अपने रिजल्ट को प्रोलॉन्ग चाहते हैं तो अपने वेट को उनको थोड़ा स्टेबल रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाली व्हाट इज द रिकवरी प्रोसीजर आफ्टर द डिंपल क्रिएशन सर्जरी, कि जब भी आप डिंपल बनवाते हैं तो उसके बाद रिकवरी कैसी रहती है। कुछ समय तक के लिए आपको, क्योंकि सर्जरी जो है मुंह के अंदर से की जा रही है तो आपको ओरल हाइजीन का बहुत मेंटेन करना होता है। हम पेशेंट को फ्रीक्वेंट माउथ वॉशेस करने के लिए देते हैं और बताते हैं कि आपको करना है, थोड़ा सा क्लीनिंग आपको रखनी होती है, जब भी आप कुछ खाएं आपको नॉर्मल पानी से कुछ गागल या क्लीनिंग करना चाहिए उसको। साथ ही साथ थोड़ा बहुत पेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी ब्रूजिंग और स्वेलिंग, क्योंकि चीक वाला एरिया पे हम सर्जरी कर रहे हैं तो थोड़ी स्वेलिंग आपको लगभग रहती है 1 वीक तक। इसी तरह से पेन भी जो है लगभग 3 to 4 days तक रहता है, जिसके लिए हम पेशेंट को पेन किलर्स देते हैं, स्वेलिंग के लिए भी स्वेलिंग को कम करने के लिए दवाई दी जाती है, और साथ ही साथ पेशेंट को अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। हम पेशेंट को अपने पास फॉलोअप के लिए भी 3 to 4 days के बाद बुलाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ये भी जानना चाहते हैं कि हम एज ए प्लास्टिक सर्जन क्या इस डिंपल की पोजीशन को कुछ थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। तो ये नॉर्मली जो डिंपल की एक पोजीशन जो आइडियल पोजीशन होती है वो यूजुअली फिक्स रहती है। हम वो पेशेंट को जब मार्किंग किए जाते हैं प्री ऑपरेटिव पीरियड में तो हम उस पोजीशन के बारे में पेशेंट को बताते हैं और पेशेंट के खुद के भी इनपुट लेते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को भी सजेस्ट करते हैं कि आपके फेस के हिसाब से, आपकी फेशियल प्रोफाइल के हिसाब से, आपके फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके फेस में जो भी फैट है उसके अपीयरेंस के हिसाब से, आपकी ओवरऑल फेस की शेप के हिसाब से आपको डिंपल की ये पोजीशन जो है बहुत सूटेबल रहेगी, और उसके हिसाब से हमें कंबाइंड डिसीजन पेशेंट के साथ लिया जाता है कि इसकी पोजीशन को हमें फाइनली रखना है। इस डिंपल को हम एक साइड भी दोनों साइड दोनों तरह से बना सकते हैं। कुछ फीमेल पेशेंट चाहते हैं कि सिर्फ एक ही साइड डिंपल हो और कुछ मेल चाहते हैं कि दोनों तरफ डिंपल बने, तो उसके हिसाब से इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। आप एक साथ एक ही साइड में या दोनों साइड में डिंपल को बनवा सकते हैं, डिंपल प्लास्टिक की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी सारे पेशेंट ये भी पूछते हैं कि क्या इस डिंपल प्लास्टिक या डिंपल क्रिएशन सर्जरी में कोई रिस्क इन्वॉल्व है, कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व है, कोई साइड इफेक्ट है। तो जैसे कि किसी भी सर्जरी के अंदर कुछ अपने इनहेरेंट रिस्क होते हैं, इसी तरह से डिंपल प्लास्टिक में भी अपने कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि उसमें आपको पेन हो सकता है, उसमें आपको स्वेलिंग हो सकती है, उसमें वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। ये 3 पॉइंट्स नॉर्मली सभी सर्जरीज के लिए कॉमन माने जाते हैं
और ये रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको ऐसा होता है, बट इसको प्रिवेंट करने या इसको कम से कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो भी अपने सर्जन को जो चूज करना है वो एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन होना चाहिए और इस तरह की सर्जरीज को परफॉर्म करना चाहिए ताकि वो आपके जितने भी रिस्क हैं, जितने भी साइड इफेक्ट हैं, उसको कम से कम किया जा सके। अब ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे पेशेंट ये भी सवाल करते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए डिंपल क्रिएशन सर्जरी, कि इसमें नॉर्मली कॉस्टिंग क्या इन्वॉल्व रहती है। तो डिंपल क्रिएशन सर्जरी कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि वो सर्जरी किस सिटी के अंदर की जा रही है, क्योंकि सिटी वाइज भी ये कॉस्टिंग वेरी करती है। वो किस जगह पे की जा रही है, मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किसी अच्छे सेंटर में की जा रही है, छोटी जगह पे की जा रही है, बड़े हॉस्पिटल में की जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो भी कॉस्मेटिक सर्जन कर रहा है उसका एक्सपीरियंस और स्किल कैसा है, ये उस बात पर डिपेंड करती है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें डिंपल क्रिएशन सर्जरी जो है लगभग 40,000 से लेकर 60,000 रुपीज में सर्जरी की जाती है। ये एक परमानेंट सर्जरी है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाली सर्जरी है, इसके रिजल्ट बहुत नेचुरल रहते हैं, सेफ सर्जरी है, लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है, और आप इसके बेनिफिट जो भी डिंपल से जो आपको मिलते हैं, जो कि क्यूटनेस और साइन ऑफ ब्यूटी जो होते हैं, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अगर इस सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप सेफली डिंपल क्रिएशन सर्जरी के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, तो ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि व्हाट इज अ डिंपल प्लास्टी, हाउ इज डिंपल क्रिएशन डन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, और आपको उसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, हम उन आपके उस क्वेरी का आंसर कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।